देखिए अभी तक तो स्टेट की एजेंसीज लगातार इस पर काम कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो उस पर रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने सीधे सीधे राजस्थान सरकार के प्रधान सचिव से फोन टैपिंग पर रिपोर्ट मांग ली है। जी मीडिया संवाददाता मनोहर विश्नोई फोन लाइन पर एक बार फिर से मौजूद हैं। मनोहर, निश्चित रूप से अब यह मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, अभी तक तो सिर्फ स्टेट के भीतर देखने को मिल रही थी सारी कवायद, सारी एक्टिविटी, अब तो गृह मंत्रालय ने मांग लिया सीधे कि आप रिपोर्ट बताइए फोन टैपिंग मामले को लेकर, जो बातें कही जा रही उसमें क्या सच्चाई क्या झूठ। बिल्कुल आशीष, ये जो सूत्रों के अनुसार जो खबर निकल के आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो राजस्थान में फोन टैपिंग हुई और जिसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का नाम जो आ रहा है उसको लेकर के जो जो राजस्थान जो मुख्य सचिव है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि किस तरीके से टैप रिकॉर्ड किया गया और जो टैप जो जारी हुआ क्या वो सरकार की तरफ से रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि जिस तरीके से संबित पात्रा ने आज भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल उठाए थे कि ये टेप जो रिकॉर्ड जो रिकॉर्डिंग हुई है वो क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, तमाम जो प्रोसीजर होता है कि किसी का टेप किसी का बात जो रिकॉर्ड करनी है वो किस तरीके से प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करो, ये चीज। और दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा ये कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे इस मामले की, तो इन सवालों के जवाब में धीरे धीरे अब जो है केंद्र का जो रुख है वो सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और जो फोन टैपिंग का जो मामला सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं अब जो है केंद्र सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है और राजस्थान के मुख्य सचिव से ये रिपोर्ट मांगी है कि ये फोन टैपिंग का क्या मसला है और किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया गया और क्या सरकार की तरफ से ये फोन टैप किया गया, तमाम जो चीजें हैं वो रिपोर्ट है मांगी गई है। जी बिल्कुल मनोहर, क्या कोई वक्त भी दिया गया है कि आपको इतने दिन के भीतर रिपोर्ट सौंप देनी है, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है इसको लेकर इसलिए पूछ रहे हैं। आशीष देखिए कि अभी प्राथमिक तौर पर ये सूचना मिल रही है कि रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन कितने दिन में मांगी गई है वो लिखित में जैसे ही आदेश मिलेगा तो हम आपको सूचित करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल खबरों का